नॉर्मली हम लिखते हैं ईडीएफ टेस्ट। ईडीएफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि सीरीज हैज अ यूनिट रूट, ये वो नल हाइपोथेसिस है कि सीरीज में यूनिट रूट मौजूद है। मतलब क्या है इसका कि सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। तो ये नॉर्मली जब प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है तो मैं नल हाइपोथेसिस पूछता हूँ, नल हाइपोथेसिस है क्या है। जब तक देखिए जो भी टेस्ट यूज करें जब तक हमें उसका नल हाइपोथेसिस नहीं पता होगा हमें टेस्ट समझ नहीं आता। टेस्ट का नल हाइपोथेसिस पता होना चाहिए जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। सीरीज एज यूनिट रूट और जो इसका उर्दू तर्जुमा है वो क्या है, सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। ठीक होगी बात। अब जो ईडीएफ स्टैटिस्टिक्स है ये भी हम कंप्यूटर से करते हैं। ईडीएफ स्टैटिस्टिक्स अगर ये ग्रेटर देन 0.05 होगी, ग्रेटर देन 0.05 क्यों ले रहे हैं, 95% कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। अगर ईडीएफ की स्टैटिस्टिक्स जो है पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 आएगी तो हम अपना वी मे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और कंक्लूड क्या करेंगे, और कंक्लूड क्या करेंगे, सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। यही कंक्लूड हुआ ना, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि सीरीज जो है वो क्या है, नॉन स्टेशनरी। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, एन एफ पी वैल्यू है of ADF statistics is less than 0.05 तो हम क्या करेंगे, we may